दोस्तों आपको ये वार्निंग दी जा रही है, अगर आप इस वार्निंग को इग्नोर करते हो तो आपका नुकसान हो सकता है। अगर आप पीएफ के मेंबर हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके ही अकाउंट के बारे में है। आप इसे ध्यान से देखिए, जो मैं बताना चाह रहा हूँ बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। मैं यहाँ आपको जो आप प्रैक्टिकली मेरे से सवाल पूछते हैं, चाहे कमेंट्स में पूछें या व्हाट्सएप पे पूछें, उन्हीं के बेस पे आपको यहाँ वीडियो बना के देता हूँ। ध्यान से देखिए मैं यहाँ आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। आपको यहाँ पे जब आप अपनी पीएफ पासबुक देख रहे हैं तो आपको एक एरर नज़र आ रहा है, जहाँ कह रहा है कि भाई आपने पैन कार्ड नहीं लगाया है। अगर आप पैन कार्ड नहीं लगाओगे तो आपका हायर टैक्स डिडक्ट हो जाएगा, TDS आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ जो वार्निंग लिखी है, मैं आपको इसे अच्छे से समझाता हूँ, प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, तो प्रैक्टिकली आप इस बात को समझिए कि देखो ऐसा होता है कि हमारे पास जब भी हम पीएफ से पैसा निकालते हैं तो वो दो टाइम पे हम निकाल सकते हैं। एक टाइम तब होता है जब हम पीएफ का एडवांस निकालते हैं नौकरी करते हुए, उसे बोला जाता है फॉर्म नंबर 31, और दूसरा पॉइंट होता है जब हमारी कोई नौकरी नहीं होती है, हमें पूरा का पूरा पीएफ चाहिए होता है 1910C से। तो यहाँ पे जो टैक्स कटने की बात आती है वो सिर्फ तभी आती है जब हमने अपना पूरा पैसा निकालने के लिए अप्लाई किया हो। अगर हम एडवांस निकालने के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारा कोई भी टैक्स नहीं कटता है, जैसा कि आप यहाँ के इस केस में देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी पैन कार्ड नहीं लगा है और मैंने यहाँ पे कितने बार फॉर्म भरे हुए हैं, कितने बार मैंने क्लेम सेटल किया हुआ है। तो आप एक चीज़ गांठ बांध लो कि अगर आपने पैन कार्ड नहीं लगाया तो आपका एक भी रुपये टैक्स नहीं कटेगा, चाहे आपका पैन कार्ड ना लगा हो। मैं आपको यहाँ दिखाऊँ कितना रुपये मैंने निकाला है, क्लेम पे जब मैं टच करूँगा तो मेरे को यहाँ पे दिखाएगा कि आपने कितने बार अप्लाई किया हुआ है और अलग अलग बार अप्लाई करने के बाद आपने कितना पैसा निकाला है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है कि आपके 15 बार क्लेम अप्रूव हुए हैं, 15 बार क्लेम अप्लाई करके आपने 270,000 रुपये निकाला है। तो मैंने 270,000 रुपये निकाला है और मेरा कभी भी कोई भी टैक्स नहीं कटा है। वो इसी वजह से नहीं कटा है क्योंकि इनकम टैक्स का नियम मुझे पता है। नियम ये कहता है कि अगर आप अभी एडवांस निकाल रहे हो, चाहे आपका पैन कार्ड ना हो, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं पैन के आगे लिखा है नॉट अवेलेबल, तो अगर आपका पैन कार्ड नहीं भी लगा हुआ है तो आपको अगर ये वार्निंग दिखा रहा है होम पे, जब आप जा रहे हैं पासबुक वाली वेबसाइट पे, होम पे जा रहे हो, आपको वार्निंग तो दे रहा है लेकिन वो वार्निंग आपके लिए अप्लाई नहीं होती है। वो वार्निंग तभी आपके ऊपर अप्लाई होगी जब आप अपना फाइनल सेटलमेंट करने जाएंगे। तो क्या मतलब ये बनेगा कि हमें पैन कार्ड लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है? तो ऐसा नहीं है, आपको पैन कार्ड लगा लेना चाहिए। लगा इसलिए लेना चाहिए क्योंकि मान लो कि ये व्यक्ति अभी जिंदा है, अभी सही सलामत है, लेकिन अगर इसको कभी ऐसा हो जाए कि भाई इसकी डेथ हो जाए तो आपका पैन कार्ड एक आपके आईडी प्रूफ की तरह भी काम करता है, और साथ में ही अगर इन्हें फाइनल सेटलमेंट निकालने की ज़रूरत पड़ेगी तो उस टाइम पे इनका पैन कार्ड होना थोड़ा सा ज़रूरी रहता है। हालांकि यहाँ पे बैलेंस जो है वो 50,000 से कम है, लेकिन आपके केस में ऐसा हो सकता है कि फाइनल सेटलमेंट के टाइम पे बैलेंस 50,000 से ज़्यादा हो, तो उस टाइम पे अगर आपका पैन कार्ड नहीं लगा होगा तो आपका टैक्स कटने की बात आ जाएगी। और साथ में ही कई बार ऐसा होता है कि कंपनी बिना बताए बंद हो जाती है। अगर कंपनी बिना बताए बंद हो गई और आपका पैन कार्ड नहीं लगा हुआ हो तो फिर आपका क्या होगा? फिर तो आपकी अप्रूवल कोई करेगा नहीं, पैन कार्ड का अप्रूवल नहीं करेगा, तो फिर आपको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करने में दिक्कत आएगी। तो इस चीज़ से बचना है तो सही रहेगा कि अगर आपको ये वार्निंग आ रही है तो आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। पैन कार्ड कैसे अप्लाई करना है? मैनेज में जाना है, KYC में जाना है और सिंपल सा यहाँ पे पैन टच करना है। आपको यहाँ अपना 10 डिजिट्स का जो पैन नंबर होता है वो आपको डाल देना है। देखो उसमें अगर नाम ऊपर नीचे हो, जैसे यहाँ कुछ नाम है, उस नाम से अगर थोड़ा बहुत अलग भी नाम है ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे पैन कार्ड लगा सकते हो। एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपका आधार कार्ड आपके पैन कार्ड से लिंक हो, वो आपको चेक करना ज़रूरी है। कैसे चेक करोगे? यहाँ आपको ऐसे मैं बता रहा हूँ, आधार पैन स्टेटस डालना और ये इनकम टैक्स की वेबसाइट खुलेगी। इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आपको जाके चेक करना होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो जो मैं चीज़ें कह रहा हूँ ना वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। लिंक आधार स्टेटस नज़र आएगा आपको, यहाँ आपको जो आप पैन कार्ड लगाओगे पहले आपको चेक कर लेना है कि भाई मेरा पैन कार्ड से मेरा आधार कार्ड लिंक है या नहीं है। अगर लिंक है तो ही आप वहाँ पर KYC में जाके अपना पैन कार्ड लगाना, ठीक है? क्योंकि अगर यहाँ पर लिंक नहीं होगा तो फिर उस पैन कार्ड की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे में आपके लिए और कुछ करने की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन निश्चित तौर पे ये पैन कार्ड आपका वहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो मैंने आपको जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है ना भाई,
ऐसी जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। मेरे को इस चैनल पर सपोर्ट की ज़रूरत है, मेरे को यहाँ सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं। अगर आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो आप मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाने में मेरी हेल्प कीजिए। मैं इतनी ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।